एक 15 साल का लड़का था। उसके पिता की बचपन में मौत हो गई। उसके बाद वो अपने चचेरे भाई के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में उसके चचेरे भाई की एक डेयरी हुआ करती थी। उस डेयरी में वो रोज़ाना सुबह 4 बजे उठा करता था, मवेशियों को चारा पानी खिलाता था, उसके बाद उन मवेशियों के दूध निकालता था। दूध निकालने के बाद उन दूध को दिल्ली के VVIP कोठियों में, जहाँ पर नेता मंत्री के बंगले हैं, वहाँ पर वो दूध पहुँचाने का काम किया करता था। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि जिन बंगलों में आज वो दूध पहुँचाने के लिए जा रहा है, एक दिन जब भारत सरकार में वो मंत्री बनेगा तो इन्हीं बंगलों में वो रहने के लिए आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं OTT इंडिया की खास सीरीज सियासी किस्सा। सियासी किस्सा में आज हम देश की राजनीति में अहम रोल अदा करने वाले एक कद्दावर नेता राजस्थान के राजेश पायलट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चूँकि राजस्थान में महज कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट इस समय चर्चा में हैं, तो सचिन पायलट के चर्चा में रहने के दौरान हमने सोचा क्यों ना आज उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट के बारे में वो बातें आपसे बताएं तो शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि राजेश पायलट के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में जब एक एक बातें आप जानेंगे तो शायद आपको भी एक हौसला मिलेगा कि ज़िंदगी में आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं राजेश पायलट के दूध पहुँचाने वाले लड़के से लेकर भारत सरकार में मंत्री बनने तक की कहानी। एक 15 साल का लड़का पिता की मौत के बाद गांव के मस्ती को भूलकर आंखों में पिता के सपने लेकर अपने चचेरे भाई के साथ गांव से दिल्ली आया, जिसने अपनी जिंदगी में अभावों और संघर्षों को बहुत करीब से देखा, जो दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए दोनों पैरों को अपने पेट से लगाकर लेटा रहता था, लेकिन उसकी आंखों में नींद के बजाय आंसू होते थे। गर्मी हो या ठंडी या फिर बरसात, वो रोज सुबह 4 बजे उठता और अपने चचेरे भाई नत्थे सिंह की डेयरी के मवेशियों को चारा खिलाता, उनका गोबर साफ करता, दूध दुहता और फिर दिल्ली के VIP इलाके की कोठियों में दूध पहुंचाता। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी उसने इस भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये कहानी है राजेश्वर प्रसाद बिधुड़ी, जिन्हें हम राजेश पायलट के नाम से जानते हैं। ये कहानी हौसले, संघर्ष, लगन और ईमानदारी की है, जिसने एक इंसान को सपना पूरा करने की ताकत दी। राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट ने अपने किताब राजेश पायलट एक जीवन में जिक्र किया है कि राजेश पायलट जब बचपन में थे, जब वो दिल्ली रहने आए थे, तो उनका बचपन बहुत ही अभाव और गरीबी में बीता था। और जब वो दूध पहुंचाने के लिए इन बंगलों में आया करते थे और यहां से जब वापस तबेले में जाते, तबेले में सोते, ठंड उस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ती थी। रमा पायलट इस बात को लिखते हुए काफ़ी भावुक हो जाती हैं कि जब उतनी भीषण सर्दी के बीच रात में सोते थे तो अपने पैर को पेट से लगाकर, यानी कि सटाकर सोते थे, ताकि जानवरों के बीच में उन्हें ठंड ना लगे और गर्माहट का एहसास हो। उसके बाद राजेश पायलट ने जो अपने ज़िंदगी की उड़ान भरी, उसका किस्सा और भी ज़्यादा रोचक था। राजेश पायलट का बचपन बहुत ही अभाव और गरीबी में बीता। कम उम्र में सर से पिता का साया छिन गया। जिंदगी के कड़वे अनुभवों से यह शख्स बचपन से दोचार हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मुसीबतों से लड़ लड़कर भविष्य के लिए अपनी नींव तैयार की। सर पर पिता का सपना साकार करने का उस पर जुनून सवार था। राजेश पायलट ने बचपन से एक बात सीखी थी जिसे ताउम्र निभाया, वो था खुद पर विश्वास। गाँव की मस्ती को वो पिता की मौत के बाद तो भूल गया और 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते राजेश्वर प्रसाद बिधुड़ी ने अपने आप को अंदर से इतना मजबूत कर लिया, इतना कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम था, बिल्कुल निडर और बेखौफ। राजेश पायलट जब स्कूल जाते तो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें दूधिया कहकर चिढ़ाया करते थे। हालांकि वक्त अपनी गति से गुजरता जा रहा था और राजेश पायलट की नौकरी एयरफोर्स में लग गई। राजेश पायलट इंडियन एयरफोर्स के एक जाबांज पायलट भी थे, जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज के कई ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया।
राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट ने अपनी किताब राजेश पायलट एक जीवन में लिखा है कि राजेश्वर प्रसाद ने कभी नहीं सोचा था कि जिन बंगलों में वो दूध पहुंचाया करते थे कभी उनमें से एक बंगला उनका आशियाना होगा। उनके अभावों और संघर्षों के जीवन को बेहद करीब से देखा। वो जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों से भलीभांति परिचित थे। वो भीषण सर्दियों में भैंसों के बीच छप्पर में उससे सटकर सोया करते थे। ये बात सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनकी आंखों में उस वक्त नींद नहीं बल्कि आंसू हुआ करते थे। रमा पायलट अपनी किताब में आगे लिखती हैं कि साल 1974 में जब उनका राजेश पायलट के साथ विवाह हुआ लेकिन वैदपुरा गांव पहुंचकर उन्हें बहुत रोना आ गया। उन्होंने लिखा है कि कहां दिल्ली की रहने वाली एक लड़की और कहां ये गांव। जैसे जैसे उन्होंने राजेश पायलट के बारे में और भी ज़्यादा जाना उन्हें सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए। उस हंसी खुशी और मस्त मौला तबीयत के पीछे थी उनकी जिंदा दिली। जीवन के प्रति राजेश पायलट का नजरिया बेहद सकारात्मक था। परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो उनका रास्ता नहीं रोक पाती थी। सामने बड़ी समस्याओं को देखकर लोग अपना दिल छोटा कर लेते हैं लेकिन राजेश्वर प्रसाद के पास हर समस्या का एक ही समाधान था, हर परेशानी का अचूक हल था और वो था नो प्रॉब्लम। इन दो शब्दों में उनके व्यक्तित्व की मजबूती झलकती थी। रमा पायलट ने राजेश पायलट के भाई नत्थी सिंह का भी अपने किताब में सबसे शानदार वर्णन किया है कि नत्थी सिंह को जितना अधिक धन्यवाद दिया जाए कम रहेगा। एक तरह से कहा जाए तो नत्थी सिंह थे जिन्होंने राजेश्वर को पायलट बनाया। बाद में काबिल होने पर राजेश पायलट ने अपने चचेरे भाई के लिए दिल खोल कर रख दिया। राजेश पायलट कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से हुई। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि मैडम मैं बागपत से चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी ने राजेश पायलट से उस वक्त कहा कि तुम उस जगह से चुनाव लड़ना चाहते हो जहां पर चुनावों में लाठियां चलती हैं। राजेश पायलट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के बातों का जवाब देते हुए कहा था कि मैडम मैं तो दुश्मन देशों पर बम गिरा कर आया हूं तो चुनाव में लाठियों से मुझे क्या डर। इसके बाद राजेश पायलट कांग्रेस से टिकट लेने के जुगाड़ में लग गए। एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने के बाद राजेश पायलट और रमा पायलट दोनों कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद लगाकर बैठे थे लेकिन इंदिरा गांधी ने उस वक्त उन्हें टिकट नहीं दिया। दोनों ने टिकट पाने की उम्मीद छोड़ दी थी और एक दिन वो घर पर बैठे थे। घर पर दोनों बैठे थे तभी अचानक राजेश पायलट के घर के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उनकी पत्नी रमा पायलट उठाती हैं। उधर से जवाब आता है कि हेलो राजेश पायलट हैं। रमा पायलट कहती हैं नहीं हैं। दोबारा पूछा जाता है और ठीक इसी तरह से तीन बार उस सवाल को दोहराया जाता है। चौथी बार में उधर से आवाज़ आती है कि अगर पायलट साहब आएंगे तो उन्हें दिल्ली भेज दीजिएगा और कहिएगा कि उन्हें संजय गांधी ने याद किया है। एयरफोर्स की नौकरी छूट गई। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने की आस भी धुंधली पड़ती जा रही थी। टिकट मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी तभी अचानक एक दिन किसी का फोन आया। फोन राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट ने उठाया। उधर से आवाज आई राजेश्वर जी हैं लेकिन पत्नी ने मना कर दिया और फिर उधर से पूछा गया कि उनकी पत्नी है लेकिन रमा ने उस वक्त भी मना कर दिया। तो उधर से आवाज आई कि आप उनसे बोल दीजिए कि संजय गांधी ने बुलाया है। संजय गांधी के फोन ने राजेश पायलट की किस्मत बदल दी। पहला गुर्जर पायलट राजनीति में भरतपुर के अनजाने मैदान में चुनाव लड़ा और सबको चौंका दिया। उससे भी हैरानी की बात ये थी कि चुनाव प्रचार के दौरान राजेश पायलट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जगह जगह जाकर अपनी बात कर सकें। तब के पार्टी कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी के कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने पर कुछ रकम प्राप्त हुई और वो भी स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाने के बाद। लेकिन राजेश पायलट को उनके समर्थकों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। उनका चुनाव खर्च चलता रहा। साल 1980 में वो चुनाव जीत गए और सांसद बने। उन्होंने वादे के मुताबिक भरतपुर के लड़कों को रोजगार दिलवाया और वहां विकास के काम किए। वो राजेश पायलट ही थे जिनकी बदौलत एयरफोर्स पायलटों को उड़ान भत्ता मिलना शुरू हुआ। साथ ही उनके द्वारा किए गए सामाजिक और राजनीतिक योगदान की चर्चा की गई है। राजेश पायलट को दूसरा चुनाव राजस्थान के दौसा से लड़ने के लिए कहा गया तो रमा काफी हैरान हो गई लेकिन उनके पति भरोसे के साथ लड़े और जीत गए। साल 1984 में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला। पार्टी ने कुल 414 सीटों में से 400 सीटें हासिल करके इतिहास रच दिया।
राजेश पायलट को भारत की राजनीति में अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन मात्र 55 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी रमा पायलट आज भी कहती हैं कि मुझे आज भी नहीं लगता कि राजेश पायलट यानी उनके पति उनके साथ नहीं हैं, बल्कि उन्हें हमेशा ये लगता है कि हमेशा वो उनके इर्द गिर्द हैं, मानो ये कह रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो। राजेश पायलट के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में एक सड़क भी है जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये राजेश पायलट मार्ग है। और जब राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव स्तर पर है, सचिन पायलट की चर्चा लगातार देखने को मिल रही है, तो राजेश पायलट का जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। राजेश पायलट की इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने OTT इंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियां खबर आपको लगातार यहां पर देखने को मिलती रहती हैं। तो मुझे और मेरे सहयोगी गौरव सक्सेना को दीजिए इजाज़त, बहुत जल्दी किसी और नेता के किस्से लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार।